झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे अपने इस्तीफे में चंपई ने जेएमएम की मौजूदा नीतियों और दिशा से गहरी नाराजगी जाहिर की है। उनका मानना है कि पार्टी अपने असली उसूलों से भटक गई है। माना जा रहा है कि 30 अगस्त को चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उनका ये फैसला दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आया है। सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि झारखंड के आदिवासी लोगों, दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने की उनकी प्रतिबद्धता जारी रहेगी। जेएमएम नेता विनोद पांडे ने सोरेन से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने पार्टी में सोरेन के एक्सपीरियंस और लीडरशिप की जरूरत का हवाला दिया, लेकिन अभी के लिए ऐसा लगता है कि सोरेन पक्ष बदलने के अपने फैसले पर अडिग हैं।